डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। जय जवान। आज उत्तराखंड में सेब की खेती की संभावनाओं के विषय पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित राज्य के सम्मानित शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, प्रश्नोत्तरी पे काम करने के लिए हमारे बीच हमारे एक बहुत बड़े संगठन के पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन के अध्यक्ष आदरणीय बीरबान सिंह रावत जी, उद्यान विभाग से रिटायर उद्यान विभाग के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उकसाल जी भी हमारे बीच में हैं। सभी किसान बागवानों को मेरा नमस्कार। ये जिस तरीके से हमने प्रोग्राम रखा था तो तीन सेशन हमने इसमें रखे थे, तो हम अभी जो शुरुआत करेंगे वो दूसरे सेशन से करेंगे। तो दूसरा जो हमारा सेशन था वो हमने रखा था सवाल जवाब का, क्योंकि हो सकता है बहुत से किसान जो यहाँ पर आए हैं उनके सवाल हों। तो हमने कुछ ये थोड़ा सा एक लिटरेचर तैयार किया है। तो सवाल जवाब का जब सेशन हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार माननीय धन सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि हमारे जो पौड़ी के किसान हैं वो लोग प्रेरित, उनको प्रेरित करने के मकसद से। तो शायद अभी शुरुआत बहुत ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है सवाल जवाब सवाल भी आपके पास बहुत कम हो। मेन जो हमारा था वो है एक्सपोजर करने का, आपको आपको ऑर्चर्ड दिखाना, आपको ऑर्चर्ड में विजिट करवाना। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय धन सिंह रावत जी से कि वो किसानों का स्वागत करें। स्वागत। सम्मानित हमारे कुकसाल जी, रावत जी और क्लास ग्रुप के हमारे रावत जी, हमारी बहन इसना सविता, इसने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे अभी 65 किसान भाई आ रखे हैं, और दो मेरे साथ नेता लोग भी आ रखे हैं, ठीक हो गया। वो भी किसान है, मूल रूप से वो भी किसान है। हमारे मालवर सिंह राव जी का मैं परिचय करा रहा हूँ, एक बार खड़े उठो। वैसे आप हमारे यूसीएफ के अध्यक्ष हैं और ये जो मंडवा झंगोरा की ब्रांडिंग करते हैं वो हम कोऑपरेटिव से इन्हीं के द्वारा कराते हैं। 40 रुपये केजी आजकल हम बेच रहे हैं उसको, इसलिए मैं उनको भी लाया यहाँ पे कि अगर सेब की ब्रांडिंग करानी होगी तो यहाँ से करा सकते हैं। बैठो। मालवर सिंह राव जी उनका नाम, और यहीं के रहने वाले, कहाँ के पैठानी। संपत भाई हमारे यहाँ पे जो गढ़वाल मंडल मोटर्स, देखा सुना आप लोगों ने, सुना ये जीएमओ, उसके अध्यक्ष हैं कोऑपरेटिव के और रहने वाले खिरसु के हैं। बाकी सभी लोग जितने लोग बागवानी से जुड़े हैं, मैं राव जी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत कम सूचना पे आप लागे आए। ये हो रहा था कि भाई इसको बाद में बहुत बड़े स्तर पे करें, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा पहले बैठ लेते, कुछ विचार आ जाएंगे लोगों के तो तब हम आगे के रोड मैप उसका तैयार कर लेंगे। और ये भी सोच रहा हूँ कि कोई डे एक तय कर लेते हैं जिसको कि हम हर साल बागवान दिवस के रूप में मनाएं। क्यों, अब
जैसे पल्स पोलियो डे है, ठीक है, हर के डे है ना, वैसे हम एक कोई भी तय कर लो कि हम एक बागवान दिवस के रूप में मनाएं और हर साल कार्यक्रम करें। पहला भ्रमण था वो था 14 मार्च को 2023 को और 28 मार्च मतलब उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि इस यहाँ बगीचा संभव है, तो हमने 28 मार्च से काम शुरू किया। और जो ये अपने ये पौधे आप देखेंगे जो बगीचे में जाकर, तो ये लगभग जून के महीने से, जून से हमने प्लांटेशन स्टार्ट की और अगस्त जो कि बिल्कुल ऑड टाइम होता है, मतलब वो बिल्कुल जो पौध लगाने का जो समय है वो जनवरी से लेकर मार्च तक रहता है। ये पहला मंच होगा शायद आपकी क्यों क्योंकि तो राजनीति के मंच देखने पड़ते हैं, लेकिन ये पहला मंच है किसानों का, इसकी शुरुआत जो शुरुआत की है हमारे मंत्री जी डॉक्टर धनसिंह रावत जी ने, बहुत ही सुंदर शुरुआत है। आप देखिए कि हम लोग जो है हिमाचल कुमान पे सबसे बड़ा हिमाचल के लोग भी जिनको गुरु मान रहे हैं वो आप है कला संग्रह, कितना गजब का ही है। आप सोचिए मतलब वैसे तो हम पौड़ी के सभी लोगों को नमन करते हैं क्योंकि पौड़ी के जो लोग हैं वो पूरे विश्व में अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। ठंडो पानी, ठंडो पानी। मेरा आप सबको बहुत ही मेरा प्रणाम, माननीय हमारे मंत्री जी जो मेरे भाई भी हैं, उत्तराखंड के लिए बहुत चिंता करते हैं। आप लोगों की तरफ से सवाल भी बहुत अच्छे आए और हमारी जो टीम हमने बनाई थी खासकर कुकसाल जी उनकी तरफ से मुझे लगता है कि सब सवालों के आपको जवाब भी मिले होंगे। और जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हैं इनमें से किसान तो हैं लेकिन जो किसान नहीं है और जो बनना चाहते हैं वो प्रेरित होके जरूर यहाँ से जाएंगे और अपने गांव में जाके अपने जो खेत हैं उनको भी आबाद करेंगे। धन्यवाद आपका पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी कई बार हम सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट हो गए हैं, हम लोग एसपीजी में थे और लड़ाई भी लड़ी है, फिर राजनीति में भी आए हैं, फिर बागवानी पे भी आए हैं और 75 ईयर्स की एज हो गई है। इस साल मैंने 3 गोल्ड मेडल लिया है तो रुकना नहीं है। 75 साल में एक कैटेगरी थी 70 प्लस वाली, उस कैटेगरी में भोपाल में अभी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप लोग अपने आप को रिटायर नहीं समझिए, लगे रहिए लगे रहिए। विजेंद्र भाई का कहना था, अभी बोलते हैं कि अगर हम चल भी रहे हैं तो हमारी जो ऊपर जाने वाली जो इच्छा है वो चलते चलते पूरी हो, काम करते करते पूरी हो, बिस्तर पे न हो। धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां